सडन लुक है। So I'm seeing Zed for the first time like this, like a Sharif boy. और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना अच्छा रोल करेगा, बिकॉज देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, ईजी लग रहा है, बट टू वो एक सटल कैरेक्टर प्ले करने के लिए, देखो वो लोग भी ताली बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं जेड की परफॉर्मेंस के लिए। सो सटल रोल प्ले करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जो उसने बहुत ही काफ़ी अच्छा किया, एंड गौहर के लिए तो बहुत चीज ऑलरेडी यू नो गुड एक्टर, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, बिना कुछ बोले दे शी एक्सप्रेसेस अ लॉट, एंड आई थिंक जैद इज़ लर्निंग अ लॉट फ्रॉम गौहर, एंड इस स्पेशली ये म्यूजिक वीडियो में काफ़ी डिफरेंट एक्टिंग उसने किया है, और उसका लुक भी काफ़ी अच्छा लग के आ रहा है। जानना चाहूँगी कि किस तरह से रील्स बनाने वाले हैं सॉन्ग पे? हम लोग के पास अभी कन्फ्यूजन चल रहा है, हम लोग अभी सोच रहे फिलहाल कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे, मतलब किस टाइप के रील्स बनाने का सोच रहे हैं। रोमांटिक ही होगी ऑफ कोर्स, ये हीरो होगा कहीं से आया हुआ, और मैं तो ऐसा बोल रही हूं कि मुझे से बात करनी है। अच्छा ऐसा होने वाला है, मुझे तो लग रहा है ये आउटफिट देखकर अभी फिलहाल दिमाग में यही आ रहा है मेरे, पर ये आउटफिट तो किधर और जाने के लिए है। अच्छा तुम बता दो, आई थिंक हां ये जैकेट निकाल के शॉर्ट पहनूंगा, कि ऊपर ना सेटअप अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत ऐसा तो आपको देखने मिल जाएगा वीडियो में, जैसा कि नारियल पानी वाले हैं, फिर पान बीड़ी शॉप है, और अच्छा लगा एकदम टिपिकल मुंबई होती है ना 80s 90s में कैसी होती है वैसे, गोलगप्पा का स्टॉल है, सो वी कैन यूज समथिंग एंड डू अ वीडियो, लाइक मेक अ वीडियो, एक बार ऊपर देखूंगा तो समझ में आने लगेगा क्या बनाना है। सॉन्ग का पोस्टर और टीजर आपको कैसा लगा? बहुत ही डिफरेंट है मतलब, और बहुत ही अच्छा है, मैंने अवेश से और काफ़ी लोगों से सुना है कि जैद को देखना है इसमें क्योंकि जैद का एक्चुअली मेन चीज़ ना अब तक आई गेस आया नहीं है अब तक बाहर, जो एक्चुअली वो करता है बहुत, तो उसके लिए ये एक वो रहेगा ना उसका एक, मतलब वो बहुत फन कैरेक्टर है एक्चुअल में, मतलब एक्साइटेड है, कॉमेडी टाइप ज़्यादा है, और उसको हीरोगिरी भी पसंद है, बट मोर ऑफ वो जैसे होता है ना एकदम टैन है ना वैसे टाइप का है, पर साउथ इंडियन मूवी टाइप, पर वो इस रोल में कैसे फिट हुआ है, कैसे किया है, सीधा कैसे बना है, और वो बहुत ही हाँ वो रोल प्लेइंग उसने काफ़ी अच्छा किया है। सो यार अपकमिंग प्रोजेक्ट आप लोग क्या कुछ शेयर करना चाहेंगे? आ रहा है आई गेस एक हफ्ते के अंदर ही आ रहा है हमारा गाना बताए इट्स ओके, देर इज़ अ सॉन्ग कमिंग अप विद मिका पाजी और सारे का मां से है गाना, और ये गाना ऐसा है जो हम लोग ने अभी तक ऐसा कभी कुछ किया नहीं है, मतलब बहुत सारे वेरिएशन है इसके अंदर, फन सॉन्ग, और एक और चीज़ जो आपको थोड़े टाइम में सोशल मीडिया पे पता चल जाएगी क्या है वो, कौन सी वाली मुझे भी नहीं पता, पार्ट टू वाली चीज़, लेकिन बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप लोग देखना, फन सॉन्ग है, जैसा हमने किया नहीं अब तक ऐसा, हमने हमेशा रोमांटिक साइड किया है, तो ये थोड़ा डिफरेंट है ना। हाँ ये काफ़ी डिफरेंट था हमने लिए, तो बहुत ही अलग था, विच वाज गुड, हमें स्टंट्स भी किए, सतीश कौशिक सर भी इसके अंदर जो नगमा के डैडी है, इसके अंदर ये गाने के अंदर मैं, सो ये किस तरह की स्टोरी होने वाली है, मतलब मैं इसको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक मोहल्ले का लड़का हूँ और मेरे डैड बीच में आते हैं, तो ऐसा है, तो बहुत फन है और बहुत मज़ा है, सीखने को काफ़ी कुछ मिला, उसके डैड कभी भी मिलने नहीं देते से, तो वो कैसे हुआ क्या हुआ वो सब आप, गली की लव स्टोरी कैसे होती है टिपिकल, हाँ पर बहुत एग्जैजरेटेड फन, लास्ट अपने व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे आप लोग कि स्टे ट्यून्ड एंड ऐसे ही प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो, आपके प्यार की वजह से ही हम और सारे प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग कि आपको हम बेस्ट दे सके जो भी हम करते हैं उसमें, मतलब हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कुछ नया लेके आने का, और इनफैक्ट हो भी रहा है काफ़ी ऐसी टाइप की चीज़ें, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, ज़रूर देखना, गाने का नाम है नहीं बताना okay, बाद में बताएंगे, और जैद के वीडियो हार्ट के वीडियो को लाइक करना और सब शेयर करना, और इन सब चैनल्स को सब्सक्राइब करना, थैंक यू एंड डू वॉच जैद्स वीडियो बिकॉज उसमें बहुत डिफरेंट रोल किया है, एंड आप लोगों को भी लगेगा कि काफ़ी अच्छा किया हुआ है, ओके।
थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय. मैं प्यार में हूँ, आप प्यार में, हम लोग सब लोग प्यार में. कल रिलीज हो रहा है, वेरी एक्साइटेड. आई होप आप सबको बहुत पसंद आया, बिकॉज़ इट्स अ डिफरेंट वीडियो, इट्स मजेदार. थोड़ा सा देखा मैंने एक झलक, भाई साहब बड़े भाग रहे हैं. बहुत भाग रहे हैं. वैसे प्यार में भागना ही होता है. कम शॉट चले भाग रहे हैं, बहुत भाग रहे हैं. हाँ, मुझे बहुत लगा है वो, बहुत बहुत प्यारा गाना, बहुत ही प्यारा. मेरा मुझे खुद को बहुत पसंद है. सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी आप दोनों को. बहुत ही अमेजिंग प्रोमो लग रहा है, और जो पोस्टर है उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मिल रहे हैं. टीजर को भी बहुत ही ज़्यादा सराहा गया है. सो जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट है मैं प्यार में हूँ इसको लेकर. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये हमारा दूसरा वीडियो है, लेकिन वाइटल बीट्स के साथ हमारा पहला वीडियो है. एंड वाइटल बीट्स इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर वो अपना हिंदी गानों का भी लॉन्च कर रहे हैं. पंजाब में तो बड़ा एक नाम है ही म्यूज़िक कंपनी का, बट इसके साथ वो हिंदी लॉन्च कर रहे हैं, हमारे साथ लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करती हूँ उस बारे में. एंड ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँगी तो ये वीडियो जैद का है, बिकॉज ऐसा नहीं, बट ऑनेस्टली हिज परफॉर्मेंस इन दिस वीडियो इज अमेजिंग. हमारे पहले वीडियो में लोगों ने ऑफकोर्स बहुत यू नो अप्रिशिएट किया ही जैद के एक्टिंग स्किल्स को, बट दिस इज कम्प्लीटली समवेयर वे ही कैन शो के वो सब कुछ कर सकते हैं, यू नो. सो आई एम एक्साइटेड फॉर हिम. वो जो एक और एलिमेंट होता है ना, और ही सो क्यूट, वो आएगा इसमें फॉर श्योर आएगा. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज गाना बहुत ज़्यादा प्यारा है. एंड वॉट वुड यू लाइक टू एड? सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में सोचा कि गाना बहुत ही अच्छा है. सो आई डिडंट इवन आस्क अबाउट एनी स्क्रिप्ट, नथिंग, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं. आई टोल्ड गौर, आई थिंक द सॉन्ग इज ब्रिलियंट, लाइक आई लव द सॉन्ग, सो लेट्स जस्ट डू इट. वहां जाके पता चला कि बहुत कैरेक्टर बेस्ड सॉन्ग है, मतलब लिटरली इसमें एक जैद नहीं है, इसमें कोई दूसरा कैरेक्टर है. नहीं, आल्सो बिकॉज़ हमारा रॉबी सिंह के साथ सेकंड वीडियो था, सो हमें कॉन्फिडेंस था कि हां, बट स्टिल यू नो यू यू गेट द कांसेप्ट फर्स्ट एंड या बट देन व्हेन आई रीच्ड देयर, व्हेन ही टोल्ड मी द कांसेप्ट एंड या आई जस्ट ट्राइड टू हाफ एन आवर टू अंडरस्टैंड. आई वाज इन द कैरेक्टर. मैं किसी से बात नहीं करता, तो कोई बोल रहा छतरी पकड़ लेता हूं, मैं टिश्यू देता हूं, मुझे समझ में तो है क्या. सो देन आई जस्ट स्टार्टेड डूइंग इट, आई स्टार्टेड लविंग इट, एंड आई ऑनेस्टली दिस वन इज एक्चुअली पर्सनली क्लोज टू मी, आई रियली लव दिस वन. और थोड़ा टाइम हो गया है, मैं बहुत टाइम से एक्चुअली वेट कर रहा हूँ कि कब आएगा बाहर. ऑडियंस भी वेट कर रही है. जानना चाहूंगी कि मैं प्यार में हूँ और आप लोग की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, और ऑडियंस को भी बहुत प्यारी लगती है. मैं प्यार में हूँ ये जो टाइटल है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली मैं प्यार में हूँ इज द क्रक्स ऑफ द गाना, एंड जो वीडियो है इज एग्जैक्टली यू नो डिफाइनिंग ऑफ दैट लाइन, कि क्या फील करता है इंसान जब प्यार में हो जाता है. इंसान लिटरली उसको और कुछ सुध नहीं रहती है, बस उसे अपने जो भी प्रिंसिपल्स ये वो जो भी दिमाग में होते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार में आके इंसान वो सब भूल जाता है, राइट? तो ये वैसा ही कुछ प्यारी सी, एक प्यारी सी कहानी है. इट इज सेट इन द प्री इंडिपेंडेंस टाइम द वीडियो, तो एक अलग पीरियड भी है वीडियो का, अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन गाना तो इतना प्यारा है कि आप उसे गुनगुनाने से आप रह ही नहीं पाएंगे. मतलब लव इट. थोड़ा वो जैसे उन्होंने बोला है, बट वो जो 70s का जो फील था, 40s का, सॉरी 40s का, तो वो 40s का फील गाने में दिया हुआ है, और वो काफी अच्छे से शूट और एडिट और बहुत अच्छे तरीके से आया हुआ है बाहर. सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कल जब गाना बाहर आएगा तो सब देखेंगे और जब होटल में साथ में रहते, तो शी इज फ्लाइंग, माशाल्लाह, टचवुड, टचवुड भी बोलो, माशाल्लाह भी बोलो, सो शी इज फ्लाइंग फॉर फॉर थिंग, कभी ये कभी वो, सो
एक्चुअली जब जब शादी हुई थी उससे पहले इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक लॉकडाउन टाइम राइट. तो आई यूज टू टेल हिम के अभी तो हम मिल रहे हैं लेकिन यू प्रॉब्ली यू नो आर यू ओके विद द काइंड ऑफ ट्रैवल दैट आई मे हैव आफ्टर. इज लाइक हाँ ठीक है क्या होगा यू नो एक महीने में एक दो बार. इट्स रियली क्रेजी एवर सिंस एंड हिज वर्क इज मोस्टली हियर बिकॉज हिज एक्टिंग एंड यू नो हिज स्टूडियो ही रन्स ऑल ऑफ दैट एंड ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दैट. अब जब हम शूट करते हैं तो हम ट्रैवल एक साथ करते हैं, जब हम हॉलीडे करते हैं तो हम ट्रैवल एक साथ करते हैं, तो वो हमें टाइम मिल जाता है. Like in what he means is in the last couple of months I've not really been home. Yeah, she's not been. I've been living out of a suitcase. Lekin set pe rehna bada mazedar hota hai because unit ke liye bahut interesting hota hai. They all are always like, oh, you know, aise hi hai because they can't really believe it ke koi real life couple professionally bhi normal reh sakte hain. We're not like, oh, we have to behave a certain way. Hum aise nahi hain. हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं. आई थिंक पीपल लाइक दैट. सो बीइंग ऑन सेट इज इजी राइट. या वी हैव डन व्हाट 3 वीडियोस नाउ. या एक और हमने अभी हाल ही में शूट किया है या अब उसके बारे में. सो आप दोनों से जानना चाहूंगे कि आप दोनों को कब रियलाइज हुआ कि मैं प्यार में हूं एक दूसरे के गाने के लिए के लिए. या गाने में तो वो दिख ही रहा है, बहुत ही अलग टच दिख रहा है उसमें, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट दिख रहा है. ऐसे रियल लाइफ में क्या बताना चाहेंगे, कब रियलाइज हुआ कितनी बार बताया मैंने कितनी बार बताया ना जब तक हम बूढ़े होंगे तब तक बताना पड़ेगा. मिस इंडिया कौन से साल में बनी थी, आई हैव टू ऑलवेज. आपकी करियर की शुरुआत कैसी हुई थी, हमें मिस इंडिया थी मैं. अच्छा कोई बात, अब मैं नया हूं ना थोड़ा. नो नॉट दैट जानो, आई एम लाइक यू डोंट नो. पीरियड का फर्क होगा एक दो दिन का, या एक दो दिन बाद पता चला था रियल लाइफ में कि हाँ ओके मे बी ही लाइक्स मी. वहां पर बस देखते ही प्यार हो गया वीडियो में. मैं प्यार में हूं तो वीडियो पे. ये जो लुक है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे. सॉन्ग में बहुत ही यूनिक लुक लग रहा है आप दोनों का. मुझे तो बहुत पसंद है ये लुक. जब मुझे वो कैरेक्टर में डाला वो कुर्ता पहनाया और फिर ही वाज टू क्यूट. आई वाज इन इट. मैंने सोचा कि यार ये तो बस ये मैं हूं, मतलब ये मुझे करना ही है कैसे भी. एंड देन एक नॉर्मल उसमें एक शलवार कुर्ता लुक भी है. लेकिन कहानी यही है कि यू नो बॉय सीज अ ब्रिटिश इंडियन गर्ल हु वर्क्स फॉर द ब्रिटिश यू नो पावर एट दैट टाइम एंड हाउ ही फॉल्स इन लव विद हर. क्या होता है eventually. बहुत प्यारा गाना है, सच बोल रहा हूँ. आपको टीचर भी दिखा, बहुत ही प्यारा लग रहा है. सच बोल मुझे बहुत पसंद है. मतलब मैं एक्चुअल में कभी ऐसे मैं बोलूँगा हाँ बहुत प्यारा प्लीज जाके देखे वो सब छोड़, मुझे सच में बहुत पसंद है. गाना बहुत प्यारा है, मुझे आप डेफिनेटली. और शूट भी बहुत प्यारा हुआ है. सो आई कीप ऑन वाचिंग, खुद ही अकेले बैठ के देखता रहता हूं ऐसे बार बार कितना अच्छा लग रहा है. या राइट, द टीजर हैज गॉट वेरी गुड रिस्पांस. सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग जब आउट होगा तो क्या क्या करेगा ये. बस अब तो कुछ ही टाइम रह गया है, कल रिलीज होने वाला है गाना. बहुत एक्साइटेड है हम क्योंकि दिसंबर में हमारी शादी भी हुई थी और दिसंबर में ये गाना भी आ रहा है. सो ऑलमोस्ट एक साल होने वाला है एंड वी आर it's very really special for us, you know, within 1 year we've got 2 songs already and dono itne alag hai because pehla wala jo gana tha wo ek pati patni ki kahani thi, yahan par you know naya naya pyar wala jo kahani hai. We were excited because gold boy ki awaaz, I think if anybody gold was boy yeah matlab jo ek wo ek background score ki awaaz hoti hai na ki jo har hero pe suit kare aur aap pyar ho jaye uski awaaz se, to gold boy ki awaaz wo hi hai. And hindi gana bhi hai in the Punjabi, coming from the Punjabi music. First time hai, jo, yeah. Correct, the first time. Yeah. Right? For Vital Beats is, I mean, yeah. For Vital And the music. Best part for social media people is, मैं प्यार में वो is not necessary कि कोई आप लड़की के प्यार में या लड़के के प्यार में हो, आप
पानी पूरी के प्यार में भी अब दिखा रहा है. सो मैं प्यार में हूँ इज फॉर एवरीथिंग. दैट्स ट्रू. आप जिससे भी प्यार करते हो उस तरीके से गाके आप यू रिलेट, यू विल रिलेट दैट. या आप दोनों के रील्स भी बहुत ही ज्यादा वायरल होते हैं और बहुत ही अलग रहते हैं. जानना चाहूंगी इस बार किस तरह के रील्स बनाने वाले हैं इस पे आप दोनों. एक्चुअली राइट नाउ जैद के सारे फ्रेंड्स एंड यू नो जितने भी सोशल मीडिया बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सारे अथरक्स में हैं. सो वी आर इट्स आई एम गोइंग टू मीट मोस्ट ऑफ देम फॉर द फर्स्ट टाइम. सो हाँ जैद ने पूरा एक पिकनिक का जैसा एक पूरा सेटअप बना दिया जिसमें खाओ भी और उस तरीके से पानी पूरी वाला एंड गोला वाला एंड पॉपकॉर्न लाइक मजे करके सोशल मीडिया मजे करके एक छोटा सा वो पान की दुकान कैसे होती है वो भी बना. आप लोग ने ऊपर देखा नहीं क्या? नहीं बाहर देखा ना इन्होंने पॉपकॉर्न का. हां फिर भी देख लेना एक बार. एक बार देख लेना आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं. तो बस आई मेड ऑल दैट कि सब लोग शूट कर सके अच्छे से. Yeah, and we're really looking forward because काफी सारे बड़े बड़े social media influencers यहाँ पर आए हैं. So I'm looking forward to see के वो लोग मैं प्यार में हूँ पे क्या you know content बनाएंगे. So अभी तक क्या कुछ compliment मिला है मैं प्यार में हूँ इसको लेकर? अभी तो किसी ने video देखा थी teaser के ऊपर सब यही कह रहे हैं जैद इतना cute लग रहा है भागते हुए. जैद 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 सब जैद ही चल रहा है इस वक्त. एक बार तो जैद चल रहा है. No, I think the entire video as a package will be beautiful. The story is beautiful. But I know for sure कि you know it is because लड़के के lyrics हैं. You know वो कहानी लड़के के ओर से है. And the way he's performed it, it's like you know गाल आपको खींचने का मन करेगा. So yeah, he's done well. ठीक है. गाल अभी थोड़े अंदर हो गए हैं. The workout सब चल रहा है. But yeah. I'm excited about this. Challenging part क्या कुछ रहे इस song को shoot करते हुए? Challenging तो ऐसा कुछ. For him to get into the character, I think. नहीं, that wasn't challenging. What was challenging was no, I loved it, I enjoyed it a lot. I don't think so कुछ challenging था. Bass part क्या कुछ share करना चाहते हैं? Actually, Robbie Singh जो director है, हमारे साथ हमारे साथ उनका second video था. The crew was very very good and Whiting Music as a production house was very comfortable. They really took care of us. तो मजा आया. दो दिन का shoot था, खत्म हो गया. हाँ, धूप काफी थी. हाँ सेट सेट की आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं घर पे और ऑलवेज ट्रैवलिंग तो सेट पे तो आप दोनों साथ में थे तो एनी मोमेंट दैट यू हैड सेट. नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं बिकॉज यू नो वी माशाल्लाह वी ट्राई एंड स्पेंड एज मच टाइम एज वी कैन विद ईच अदर. तो ऑन सेट ऐसा ही लगता है कि बस हमारा घर का ही माहौल चल रहा है. वी डोंट वी प्रीटी कोऑर्डिनेटेड यू नो लाइक कोई ऐसा हैसल्स कुछ नहीं होता है. सो ऐसा कोई एक मोमेंट नहीं है जहाँ पर मैं बोलूँगी हाँ मुझे वो याद है. बस यही याद है कि एक मोमेंट में जब वो एक भागने का शॉट था जब जैद मुझे स्पॉट करते हैं उनके फ्रेंड्स के साथ वो भागते हैं वो भागते हैं तो आधा पौना घंटा हो गया था तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ क्या चल रहा है ना बिकॉज उस दिन तो गौर का कोई वही नहीं था बस जैद 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 ही चल रहा था. तो मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ शॉट क्या लगा हुआ है. तो मैं गई वहां पर मॉनिटर के पास तो सारे लोग आपने देखा नहीं आप देखो ये आप देखो. मैंने कहा क्या देखो? नहीं आप मॉनिटर देखो. एंड मैं देख रही हूँ कि पूरे क्रू में इतनी बड़ी स्माइल है. मैं हुआ क्या लाइक क्या हुआ यहाँ पर. एंड मैंने मॉनिटर पे देखा ऐसे नहीं समझ रहा. ही इज डन द मोस्ट अडोरेबल रन जैसे कि होता है ना कि बस किसी जैसे स्टूपिड एग्जाम्पल है लेकिन जब एक बच्चा अपनी माँ को देख के कैसे प्यार से बेवकूफ हो जैसे भागता है ऐसे ऐसे हाथ पैर हिला के कि मतलब वो छूट ना जाए. द सेम वे हिज कैरेक्टर फील्स व्हेन ही स्पॉट्स दिस यू नो प्रिटी ब्यूटीफुल गर्ल हु इज कमिंग फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम्स एंड शी ही फॉल्स इन लव. तो वो देख के अभी पूरा मोहल्ला भाग रहा है. अब मोहल्ला तो काफी तेज है लेकिन ये इतने बेसुध है कि वो है तो पीछे लेकिन उनको लग रहा है वो बहुत तेज भाग रहे. तो इट्स सच एन अडोरेबल सीन. ऑफ कोर्स वीडियो में वो शायद 3-4 सेकंड का होगा बट ऑन सेट दैट वाज द हाई पॉइंट ऑफ द वीडियो बिकॉज एवरीबॉडी एंजॉयड इट सो मच वाचिंग हिम परफॉर्म. या या एंड जाना का फिर दूसरे प्रोजेक्ट के लिए साथ में आने वाले हैं जी. ऑलरेडी हमने एक शूट कर लिया है वो आने वाला है सम इन अ फ्यू मंथ्स बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज वो एक अलग प्रोजेक्ट होगा. इनके अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मेरे अलग चल रहे हैं तो देयर इज लॉट्स हैपनिंग. या इंशाल्लाह. बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस. थैंक यू एंड प्लीज डू वॉच इट. मैं प्यार में हूँ आ रहा है कल व्हाइट हिल म्यूजिक एंड व्हाइट हिल बीट्स पे. तो प्लीज देखिएगा जैद और मेरा गाना है
एंड कोल्ड बॉय की आवाज है, गाना तो उनका है, हम तो सिर्फ वीडियो में है, लेकिन आई नो बट टेक्निकली आई ऑलवेज फील द सॉन्ग बिलोंग्स टू द सिंगर. Nobody should take that away from the singers. काश मेरी ऐसी आवाज होती कि मैं भी ऐसे कुछ गा सकती हूँ. नहीं 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 अभी हम गाना बता नहीं पाएंगे. आ जाओ पहली लाइन तो आई है इनकी केमिस्ट्री मेरे को ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है. बहुत अच्छी लगती है. आई होप गाने भी बहुत अच्छा हो. गाना मैंने सुना, इट्स अमेजिंग अमेजिंग या गाना बहुत अच्छा. तो आई होप मुझे पता ही है दोनों बहुत अच्छे लगने वाले हैं. सबसे बेस्ट पार्ट क्या कुछ लगा सॉन्ग में आपको? सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगा मेरा उससे अच्छा का. हमने बहुत अच्छी अच्छी रोमांटिक वीडियोज बनाई है. बाकी यार जैद और गौर दोनों मतलब एंड गेम लगते हैं साथ में, तो या वो बहुत क्यूट लग रहे हैं, बहुत क्यूट लग रहे हैं. सबसे बेस्ट पार्ट उनकी केमिस्ट्री है जो कि बहुत ही किलर है. तो जब जब एक रील लाइफ जो है वो रील पे आती है तो ऑटोमेटिकली उसने धमाका तो मचाना ही है, तो मचाएगी ऑब्वियसली. या आप दोनों से जानना चाहूंगी किस तरह से रील बना रहे हैं आप दोनों सॉन्ग पे? हमने तो बहुत सही बनाई है, हमने 3-4 रील्स बनाई है और अच्छी अच्छी रोमांटिक, तो आप लोगों को देखने बहुत मजा आने वाला है. भविष्य भविष्य का फैंस विल बी लाइक ऑन क्लाउड. या सो तीन से ग्यारह वो जो आपका ग्रुप है बहुत ही मतलब पसंद किया जाता है, क्या कुछ आप तीनों साथ में लेकर आ रहे ऑडियंस के लिए? यार हम तीनों एक साथ तो एक बड़ी चीज़ का वेट कर रहे हैं. बहुत अपॉर्चुनिटीज आती है रोज, मतलब मैं कहता हूँ रोज आ रही है हमें, रोज कोई गाना आता है कोई कुछ कोई कुछ. बट अब सब कर लिया हमने, तो अब कुछ बड़ी चीज़ का वेट कर रहे हैं. धमाकेदार अगर कुछ आया करेंगे साथ में, जो कि मुझे पता है एक चीज़ मैं बनाना भूल गया था, एक आने वाले को. ओके, अगर हिंट देना होगा ऑडियंस को तो वो किस तरह का आप लोग? मुझे भी नहीं पता, तो यही दे पाएगा. ऐसा कुछ करेंगे कि वापस वही 100-200 मिलियन वाली लीग, ऐसा ही कुछ करेंगे करेंगे. और क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस? मेरा गाना आ रहा है दिल विच, जो मैंने बहुत मेहनत की है, फिल्म लिखा है, कंपोज किया है, गाया है, एक्ट किया है हम दोनों ने, और पहली बार गा रहा हूँ मैं, इसी महीने आएगा. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट. तो आई होप जनता बहुत सारा प्यार दे, जैसा हर बार दिया है. सो सिंगिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मैं ऐसे ही तो बहुत गुनगुनाता रहता हूँ, बाथरूम सिंगर हूँ मैं, लेकिन माइक पे गाना इट्स अनदर थिंग. बहुत मुश्किल है, मेरे से हो ही नहीं रहा था, मेरे से हो ही नहीं रहा था. मुझे ऐसा लगता था बहुत अच्छा सिंगर हूँ मैं, बट जैसे तैसे कुछ अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला, मुझे अच्छे प्रोड्यूसर्स का साथ मिला, तो हो गया. अब निकला है, देखते कैसा निकला है. सो जैसा कि आप दोनों ने बताया कि साथ में आप दोनों का आने वाला है, तो वो किस तरह की स्टोरी होगी, क्या कुछ होगा? स्टोरी तो हम नहीं बता सकते, पर ये है, ये चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ही यूनिक स्टोरी है. सिर्फ एक चीज़ मैं बोलूँगी, आई होप कि वो ज़्यादा रिवील ना करे, कि मैंने एक भी आउटफिट नहीं बदला है पूरे गाने में, मैंने एक ही आउटफिट पहना हुआ है. और मैंने नो आउटफिट पहने. सो आप इमेजिन कर लीजिए कि कैसी स्टोरी रहेगी. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज एक ही आउटफिट में मैं मस्त सॉर्टेड सही था. मैं यहाँ से भाग रहा था, मैंने इतना पछता रहा था क्या स्टोरी कर ली. और पता है मैं हमेशा जनरली ये मेरे साथ होता है बिकॉज गानों में जो है लड़कियों को मतलब बार बार चेंज करना पड़ता है. एंड आई वाज लाइक सो सॉर्टेड, एक ड्रेस पहन लिया खत्म. हम अर्मीना में शूट कर रहे थे और मैं यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ बस कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए. ऐसे एक टेक ले कॉस्ट्यूम चेंज होता था, तो बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत क्यूट वीडियो बना. बहुत क्यूट वीडियो. ओके, अगर लुक की बात की जाए तो कितना सीरियस आप होते हैं लुक को लेकर? नहीं होता मैं आंखों को लेकर बहुत सीरियस हूँ, आंखों से बातें करता हूँ, आंखों से एक्टिंग करता हूँ.
अगर मेरे कपड़ों पे किसी का ध्यान जा रहा है ना तो मतलब मैं गंदा एक्टर हूँ, ये समझ लो। अगर अच्छा एक्टर हूँ तो कपड़ों पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा, आप उसे ही नहीं हट पाएगा। हाँ, पर जो कैरेक्टर है उसको कॉम्प्लीमेंट करे कपड़ा, उतना हम ख्याल रखते हैं। बस यही है, जैसा प्यार आपने हर बार दिया है इस गाने को भी देना। दिल विच नाम है गाने का, बहुत मेहनत की है हम लोगों ने, बहुत मेहनत की है, तो प्लीज इसको भी बढ़ाइएगा। तो कब रिलीज होने वाली है? इस महीने रिलीज डेट हम दोनों को इंस्टाग्राम पे आपको दिखेंगे। ओके, तो न्यू ईयर भी आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, उसकी तैयारी किस तरह से चल रही है आप दोनों की? अरे यार, न्यू ईयर क्रिसमस तो आने वाला है, एक वेरिएंट भी तो आ गया ना वायरस का, पता नहीं। अगर गवर्नमेंट कहती है कि प्रिकॉशन लेना है, घर पे रहना, तो रहना पड़ेगा, लेकिन अगर पार्टी करने का मौका मिला तो जरूर करेंगे। तो फिर भी मैं तो घर पे ही रहूंगी, ये पार्टी करेगा। थैंक यू।